माय चैनल स्विंकलर्स बेकरी। आई एम सोमा हियर। आज हम बनाने वाले हैं एक स्वीट, दैट इज चना जलेबी। ओके, चना का जलेबी। सो लेट्स स्टार्ट द रेसिपी। चना जलेबी के लिए पहले हम लोग शुगर सिरप का तैयारी करेंगे। उसके लिए हम लोग यहाँ पे देंगे 1 कप शुगर, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग डाल देंगे 1 कप पानी, ठीक है। अभी इसको हम लोग उबालने के लिए रखेंगे। हम लोग को यहाँ पे 1 तार की चाशनी चाहिए, ठीक है। जब शुगर हो सिरप हो जाएगा, मैं 1 तार की चाशनी दिखा दूंगी। इसको अभी हम लोग बॉयल के लिए रख देंगे, ढक देंगे। ओके, डो के लिए क्या करेंगे, मैंने यहाँ पे 2 टेबल स्पून मिल्क ले लिया है। ओके, उसमें मैं डालूंगी 1 टीस्पून सूजी सेमोलिना जो बोलते रवा, वो हम लोग इसमें मिक्स करके रख देंगे, ठीक है। तो हम लोग पहले वो हम लोग को यहाँ पे वो फिर फूल जाएगा, फिर हम लोग इसको यूज़ करेंगे। ओके, हम लोग यहाँ पे लेंगे चना। मैंने 1 कप चना ले लिया है, ठीक है। इसको अभी हम लोग अच्छा से मैश कर लेंगे। बहुत इजी रेसिपी है, सिर्फ टिप्स एंड ट्रिक्स सिर्फ फॉलो करिए तो बहुत अच्छा बनेगा, सॉफ्ट बनता है। ओके, अभी चना को हम लोग क्या करेंगे, मसाज देंगे विद द पाम्स, ठीक है। चना अपना सॉफ्ट होनी चाहिए, देखिए कितना अच्छे से मैसेज हो रहा है। ओके, ये खोया लेंगे। ओके, कितना, 2 टेबल स्पून। ओके, 2 टेबल स्पून खोया, ये मेरा होममेड खोया है। ओके, तो मैंने यहाँ पे 2 टेबल स्पून लूँगी, ये 1 एंड दिस इज 2, बस, ठीक है। अभी इसको भी इसके साथ मसाज दे देंगे। ओके, अच्छा से इसको इसके साथ मिक्स कर लीजिए। मिक्स हो गया है, अभी हम लोग यहाँ पे देंगे 1 टेबल स्पून मैदा। ओके, 1 टेबल स्पून मैदा, मैदा भी इसके साथ मिक्स कर लेंगे। ओके, ओवर मिक्सिंग मत करना। ओके, ओवर मिक्स करने से इसमें से फैट रिलीज हो जाता है, फिर हम लोग को अच्छा अच्छे टेक्सचर नहीं आएगा। ओके, इसलिए ओवर मिक्सिंग मत करिए। उसमें हम लोग देंगे 1/2 टीस्पून, हाँ 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर। ओके, इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसके साथ। फिर हम लोग का जो रवा और दूध का मिक्सचर है वो हम धीरे धीरे इसमें मिक्स कर देंगे, ठीक है। अच्छा से रवा इसमें इनकॉर्पोरेट हो जाए। धीरे धीरे मिक्स करेंगे ताकि अच्छा से अंदर जाए मिक्सचर। कई मिक्सर बहुत सॉफ्ट हो जाता है ना, तो हम लोग को इतना दूध लगता भी नहीं है। हम लोग देख लेंगे देते देते कितना लगता है। ओके, हम लोग का डो रेडी हो गया है, अभी हम लोग बनाएंगे। पहले हम लोग शुगर सिरप को देख लेंगे। शुगर सिरप भी रेडी हो गया है, मैं 2 इलायची 2 दे रही हूँ। ओके, देखिए शुगर सिरप पूरा 1 स्ट्रिंग का बन गया है। अभी देखिए एक एक करके गिरेगा, देखिए दिस कॉल्ड 1 स्ट्रिंग। ओके, एकदम मुश्किल से गिर रहा है वो, मतलब हम लोग का शुगर सिरप डन हो गया है। ओके, हम लोग इसको ऑफ कर देंगे। अभी हम लोग अपना डो जलेबी बना लेंगे। हम लोग ने सब बना लिए हैं बॉल्स बना के, ठीक है। अभी हम लोग ने एक, मैं आपको सामने करके दिखाती हूँ 1-2, ठीक है। एकदम रेडी रखी हूँ, तेल गर्म हो रहा है। अभी पहले हम लोग ऐसा गोला बना के फिर इसको लंबा ऐसा शेप देंगे। आज टिप क्या है फ्रेंड्स, एक भी क्रैक्स नहीं रहनी चाहिए। ओके, इन योर डो क्रैक्स होता है ना, फिर आप सब इकट्ठा करिए और फिर से उसको एक डो बनाइए, ठीक है। मल लीजिए अच्छा से, दिस इज द टिप ऑफ द डे। ओके, पूरा क्रैक फ्री होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा करके करोगे ना पूरा क्रैक सबका निकल जाएगा। ओके, जस्ट गिव ए स्पाइरल, और कुछ नहीं करना है आपको, ठीक है। और थोड़ा सा इसको ऐसा फैला लीजिए,
आपको लगता है यहाँ पे टूट रहा है, ऐसा कुछ लग रहा है ना, तो फिर से उसको ऐसा रोल अप कर लीजिए और ऐसा स्पाइरल कर दीजिए, ठीक है। हल्का ये हाथ से एकदम करिए, बिकॉज दे आर वेरी डेलिकेट इजंट इट। ऐसा करके हल्के हाथ से करिए, सब एकदम सेम शेप में करिए, ठीक है। मोटा पतला ऐसा मत रखिए, ठीक है ना। तो आपको इतना ध्यान रखना चाहिए, बस इतना देखिए यहाँ पे, फिर आपने ऐसा करके एंड्स को बंद करना है, फिर ऐसा लेके इसको जो जो हिस्सा है ऐसा करके उसको दबा दीजिए पीछे, बस और कुछ नहीं करना है। सी है ना, एक भी क्रैक नहीं है, आपको एक भी क्रैक दिख रहा है यहाँ पे, नहीं ना। सो ऐसा करके बाकी का भी बना लीजिए। एक मिनट देख के देख रही हूँ तेल गर्म हुआ कि नहीं, तेल गर्म हो गया है, देखिए कलर आ रहा है, कलर ऐसा जल्दी से आ जाएगा तो गैस को पूरा ऑफ कर देना। मैंने अभी गैस पूरा ऑफ कर दिया है, नहीं तो क्या होगा, बाहर से कलर आ जाएगा, अंदर से कच्चा रह जाएगा। फिर अभी हम लोग गैस को ऑन कर लेंगे, अब पूरा लो टू मीडियम रखेंगे, ठीक है। अभी धीमी आंच में इसको पका फ्राई कर लेंगे, फिर मैं और एक दूंगी, ठीक है। ज़्यादा एक साथ में नहीं देंगे, फिर चिपक जाएंगे वो लोग, ठीक है। सिरप पूरा गर्म है तो इसमें हम लोग जो फ्राई हुआ है ना वो हम लोग एक बार देंगे, ठीक है। एक हम लोग का फ्राई हो गया अच्छा से, वो हम लोग इसमें दे देंगे, ठीक है। पूरा सिरप में अच्छा से वो कोट हो जाए और ढक देंगे इसको, ठीक है। देखिए कितना अच्छा फूल रहा है वो, ज़्यादा ब्लैक मत करना, ऐसे गोल्डन कलर के रखिए, जब ब्लैक करने से वो कड़क हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा। कितना सॉफ्ट रहेगा देखिए, यू कैन सी द टेक्सचर ओनली, है ना। ऐसा गोल्डन कलर का रखिए, देखिए तेल में देने से कैसा फूल के आया है। जो मेजरमेंट दिया फ्रेंड्स, वे मेजरमेंट में करिए, चेंज मत करना। सब शुगर सिरप में डिप कर दिया है, ठीक है। हम लोग इसको हाफ एन आवर के लिए अभी शुगर सिरप में रखेंगे। सो सॉफ्ट, जस्ट आई कांट एक्सप्लेन यू फ्रेंड्स। हाफ एन आवर के लिए रखेंगे, फिर मैं इसका आपको काट के टेक्सचर दिखाऊंगी, ठीक है। अंदर से वो शुगर सिरप अंदर जाएगा, ठीक है। हम लोग इसको कवर अप कर देंगे फॉर हाफ एन आवर, फिर हम लोग इसको टेक्सचर देखेंगे, ओके। अच्छा रेडी हो गया है, हम लोग इसका टेक्सचर देख लेंगे। देखिए कितना जूसी है ना, देखिए कितना सॉफ्ट है, मेरे को कितना मेहनत का जरूरत ही नहीं है, सो सॉफ्ट इट इज़। देखिए अंदर तक ऐसा जूस गया है, यू कैन सी, एंड जस्ट सेकंड रेजिस्ट, इतना यम्मी लग रहा है। देखिए कितना सॉफ्ट निकल के आ रहा है, इतना सॉफ्ट बना है। वेरी सॉफ्ट, वेरी यम्मी एंड इट्स सो टेस्टी। सो फ्रेंड्स, आई होप यू लाइक द रेसिपी, आप लोग ट्राई करिए, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कैसा लगा आप लोगों को, ओके। सो सी यू फ्रेंड्स इन द नेक्स्ट रेसिपी, बाय बाय।